दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार मीत अलावत से सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जहां मीत अलावत के फादर पूछ रहे हैं मीत अलावत से कि क्या ये बात सही है कि बर्फी देवी की बेटी के पेट में तुम्हारा बच्चा है, जिसके बाद में वाकई में सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे कि आखिरकार मीत अलावत क्या जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो हामी भरता हुआ नज़र आने वाला है। अब वो हामी क्यों भरेगा ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम है रोहित नागर, मैं आपका अपना दोस्त, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बर्फी देवी ने जो कि मीत अलावत को पहले ही बोल दिया था कि अगर तुमने सच्चाई नहीं सच्चाई बताई किसी को तो फिर मैं एक सच्चाई मैं भी बता दूंगी। इससे बढ़िया है कि तुम ये बोल देना कि हाँ नीलू के पेट में मेरा ही बच्चा है। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर मीत अलावत सभी लोगों के सामने बोल देगा कि हाँ नीलू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, जिसके बाद में वाकई में मीत अलावत के फादर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि मीत अलावत के फादर ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मीत अलावत के फादर हमेशा से ही अपनी बेटा बहू यानी कि मीत हुड्डा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिसके बाद में जब वो उस सवाल का जवाब सुनेगी मीत हुड्डा भी, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से मीत हुड्डा अपने कर्मों के लिए अपने कर्तव्य के लिए जानी जाती है, वैसे इस घर में और कोई नहीं है, क्योंकि इस समय पूरे घर की अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पूरा घर का सपोर्ट जो है वो मीत हुड्डा को है, और मीत हुड्डा लगातार वो ही करती हैं कि जो वाकई में इस घर के पक्ष में हो। साथ ही दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं रोहित नागर आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स सो मच।